मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ स्पेशल बातें। तो दोस्तों, यहां पर रवि, मंगल, बुध, शुक्र ये चार ग्रहों के योग के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये चार ग्रह यदि आपके हॉरोस्कोप में हैं किसी एक घर में बैठे हुए कुंडली के, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चार ग्रह यदि आपके हॉरोस्कोप में बैठे हैं तो समझिए कि आपका चतुर्ग्रह योग है। और इस चतुर्ग्रह योग का फल क्या है, इसके बारे में हम टिप्पणी करते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं शास्त्र से। इससे पहले आपको हमारे इस चैनल को यहाँ पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना चाहिए, ताकि इस तरह के और भी चतुर्ग्रह योग हैं जो आपको भविष्य में यूजली प्राप्त हो सकते हैं। स्वाई करते इस पर बात। प्यारे मित्रों, यहाँ पर शास्त्र कहता है इन चार ग्रहों के योग को कि रवि शुक्र कुजज्ञाना मन्वये पारदारिकः निर्लजो दुर्जनश्चोरो विषमांगो नरो भवेत्। यानी कि रवि, मंगल, बुध, शुक्र का योग हो तो मनुष्य यहाँ पर परस्त्रीगामी हो सकता है। परस्त्रीगामी आपको पता ही है। और साथ में जो है, किसी कारणवश कुछ ऐसे काम जीवन में हो जाते हैं ऐसे व्यक्तियों से या करते हैं, जिसके कारण जो है इनको इज्जत मान कई बार जो है खोने के चांसेस यहाँ बन जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति के अंदर शर्म नहीं होती है और जिसके कारण जो है ये अपने मन मुताबिक वर्क करते हैं और किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं अपने। लेकिन अगर कोई इनके जीवन में इनको किसी तरह का कोई कष्ट देने की कोशिश करे तो ऐसे व्यक्ति जो है उसके लिए काफ़ी दुष्ट हो सकते हैं और काफ़ी जो है दुष्ट हो सकते हैं उस व्यक्ति को दंड देने के लिए। न्यूनाधिक अंग वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है, यानी कि कुछ शरीर के कुछ अंग जो है शरीर में कुछ कम हो सकते हैं। सो अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।